हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेंट्रल लेवल का ऑफिस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, हम लोगों को एसएससी या बैंक एग्जाम देने के लिए सेंट्रल लेवल का ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सेंट्रल लेवल का ओबीसी प्रमाण पत्र हो, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी को लेकर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि आप या तो बैंक या एसएससी, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हैं, उसके नोटिफिकेशन में जो भी फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को पहले उसके अकॉर्डिंग ओबीसी बनवा लीजिए। तो ओबीसी आप उस फॉर्मेट में कैसे बनवाएंगे, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो सब चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टेट के ओबीसी प्रमाण पत्र अंचल के द्वारा ऑनलाइन बनवा लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने अंचल से जाकर वहां से ऑनलाइन ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाइए। उसको बनवाने के बाद आपको एसएससी का फॉर्मेट या बैंक का फॉर्मेट का आप प्रिंट निकलवा लीजिए। उसको प्रिंट निकलवाने के बाद आप उसका टू कॉपी, मतलब दो छाया प्रति और करवा लीजिए। उसके बाद आप A4 साइज का पेपर लीजिए और उस पर अपने से एक आवेदन लिखिए। देखिए, आवेदन में क्या लिखना है, सेवा में अंचलाधिकारी, आपके प्रखंड का नाम, उसके बाद विषय दीजिएगा, पूर्व से निर्गत ओबीसी प्रमाण पत्र को नए प्रारूप में बनवाने के संबंध में, उसके बाद वहाँ से नम्र निवेदन ये है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, मैंने आपके अंचल से ओबीसी प्रमाण पत्र जिसकी संख्या, आप प्रमाण पत्र की संख्या दीजिएगा, ये है, इस तारीख को निर्गत की गई, वहाँ से मुझे जॉब में नए प्रारूप की ज़रूरत है। तो उसके बाद लिखिएगा, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे नए प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें। उसके बाद आप अपना जो ओबीसी प्रमाण पत्र है उसको अटैच कर देंगे, और उसके जो आपका आधार कार्ड है उसके साथ अटैच करके आप उसको अंचल में जमा कर दीजिएगा। उसको जमा करने के बाद 5 से 6 दिन में आपको वहाँ से उस फॉर्मेट में अंचल के द्वारा निर्गत ओबीसी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। क्योंकि यह अंचल का है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको फिर SDO के लेवल पर बनवाना पड़ेगा। आप सेम प्रोसेस करेंगे, यही आवेदन अपने से ऑफलाइन लिखेंगे, और जो आपको अंचल से ओबीसी प्रमाण पत्र मिला उसको टू कॉपी कराकर और उसका ओरिजिनल भी उसमें अटैच करके और एक आधार कार्ड की छाया प्रति उसको उसमें अटैच करके आप अनुमंडल में जाएंगे और वहां पे जमा करेंगे। वहां 5 से 6 दिन बाद आपको फिर से वहां से बन के मिल जाएगा। उसके बाद आप फाइनली जिलाधिकारी के ऑफिस में जाएंगे और इसी तरह से ऑफलाइन A4 साइज के पेपर पर आवेदन लिखिए और अनुमंडल से निर्गत ओबीसी को उसमें अटैच करेंगे, उसकी एक छाया प्रति भी अटैच करेंगे और अपना आधार कार्ड अटैच करेंगे और वहाँ पे फाइनली सबमिट कर देंगे। वहाँ से आपको 5 से 6 दिन में ओबीसी बन के मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एसएससी या बैंक के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओबीसी आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो या आपको मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक लिखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।